वेलकम बैक अभी आ, पिछले क्लास में हमने चार्ज के बारे में बहुत सारी चीज़ पढ़ रखा है और एक एनिमेशन दिखाया था मैंने आपको ठीक है उस पर थोड़ा सा भी आपने यदि ध्यान दिया होगा तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस आता है मैंने कई सारे पेयर लेके और आपको दिखाया था उसमें लेकिन आपने यदि थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आता है तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि उस ऑब्जर्वेशन को देखे और उसको पता करे कि ऐसा क्यों हुआ ठीक है अब नोटिस करने वाली बात ये थी उसके दो एनिमेशन में दो लाइक जो हमने एक्सपेरिमेंटल वीडियो दिखाया था उस केस उस में जब आप एक रबड़ के बैलून को लेते थे ठीक है और ग्लास रॉड जो सिल्क से रब करने के बाद इसके पास लाया था आपने तो ये पहले से मालूम था कि हमने गुब्बारे को पॉजिटिव कर रखा है या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज दे रखा है ये पहले से हमने क्या कर रखा था दे रखा था एक्चुअली क्या हुआ था रब करने के बाद बाल में इसमें हमने टच करा दिया था तो ट्रांसफर करके इसमें नेगेटिव चार्ज दे दिया था वो पहला था ठीक है उसके बाद जब हमें रॉड लाए तो इसमें अट्रैक्शन होना था ये ये ठीक है क्योंकि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो अट्रैक्शन होगा बट आप उसमें नहीं एक चीज ऑब्जर्व किए होंगे मेरे ख्याल से ठीक है कि अह जो अट्रैक्शन था जब ग्लास रॉड को बहुत नजदीक ले गए थे देखिए ये एरो मार्क्स वही डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तब वो अट्रैक्शन का जो फेनोमेना था वो विजिबल था हम देख पा रहे थे ठीक है यूं कहे आप दोबारा जाके उस उस लेक्चर को देखिए उस वीडियो को देखिए कि गुब्बारा अभी कुछ नहीं हो रहा है कुछ नहीं है कुछ नहीं हो रहा है एकाएक एकाएक अट्रैक्ट -एक होता है जब हम बहुत नजदीक ले जाने वाले होते हैं तो एकाएक अट्रैक्ट -एक होता है क्वेश्चन है क्यों वीडियो को दोबारा देखिए जो मैंने क्वेश्चन पूछा ठीक है दूसरा आपने नोटिस वहां पे किया या नहीं किया आई डोंट नो बट यहाँ पे जो बैलून हमने यूज किया है वो उसके ऊपर एक्चुअली हमने कंडक्टिंग फॉइल लगा दिया था ठीक है उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया था कंडक्टिंग फॉइल लगा दिया था जैसे ऊपर से चिपका दिया था ठीक है और इस पर जो चार्ज हमने दिया था वो पॉजिटिव दिया था ठीक है इस पर चार्ज जो दिया था वो पॉजिटिव दिया था ठीक और ग्लास रॉड को जब आप सिल्क रब करोगे तो उस पर पॉजिटिव आ जाता है तो ऑब्वियसली इसमें रिपल्सन होगा वहां पे उस वीडियो उस पोर्शन पे आप देखोगे कि जब ये रिपल्सन होता है तो अच्छा खासा डिस्टेंस से ही ये रिपल्सन शुरू हो जाता है अच्छा खासा डिस्टेंस से ही रिपल्सन शुरू हो जाता है ये आप लेंथ देख सकते हो एब्जर्व कर सकते हो यहां भी क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है और यहां से एक, एक बेसिस शुरू होगा टाइप ऑफ मटेरियल का आंसर तो जहां छुपा हुआ है यदि मैं उसको रिवील करूं आपसे तो उसका जो आंसर छुपा हुआ है वो यहां पे छुपा हुआ है इसका आंसर जो छुपा हुआ है यहां पे छुपा है देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है एक्चुअली क्या होता है कि गुब्बारे पे जब आप टच करके नेगेटिव चार्ज देने की कोशिश करिएगा तो जितना डिस्टेंस या एरिया में जितने एरिया में वो टच हुआ है एक्चुअली में नेगेटिव चार्ज वहीं के वहीं रहेगा वो फैलेगा नहीं पूरे गुब्बारे पे। बट यदि वो कंडक्टिंग बैलून है आपने जैसे ही उसे चार्ज करने के लिए किसी चार्ज पॉजिटिव चार्ज बॉडी से टच कराए थे उस समय पूरा ही ये फैल जाएगा पूरे सरफेस एरिया पे ये क्या हो जाएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अब क्या हुआ ये पूरा इसको छोड़ के बाकी एरिया इनसेंसिटिव है जहाँ पे कोई चार्ज नहीं है और यहाँ पे पूरे सेंसिटिव एरिया है तो क्या होगा तो होगा ये कि जब आप इसको टच कराने की कोशिश कराएंगे एक दूसरे चार्ज बॉडी से तो यहाँ पे अट्रैक्शन या रिपल्सन यदि नेगेटिव चार्ज और, मतलब चार्ज अपोजिट रहता अट्रैक्शन या रिपल्सन जब बहुत नज़दीक आ जाएंगे तब शुरू होगा क्योंकि ये इफेक्टिव होना चाहिए और यहाँ पे पूरा के पूरा बॉडी इसमें पार्ट ले रहा है एक्चुअली में यहाँ पे चार्ज फैला क्यों यदि क्वेश्चंस दिमाग में आएगा कि इस कंडक्टिंग पार्ट पे फैला क्यों क्योंकि अक्सर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ठीक है जिसके ट्रांसफ़र की वजह से आप चार्ज को देख रहे हो वो लूजली बाउंड होते हैं किस में एक खास मटेरियल जिसे कंडक्टिंग कहते हैं लेकिन वही चीज़ जब रबर टाइप का मटेरियल जिसे इंसुलेटर कहते हैं उसमें एक ही जगह रह जाता है वो फैल नहीं पाता देखो तो ये एक्सपेरिमेंटली भी देखा जा सकता है ये सब एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्जर्व किया जा सकता है इसलिए लेक्चर्स में ये सारा चीज़ मैं इन्वॉल्व करता हूँ सारे उसमें कि आप चीज़ों को बहुत गहराई से देख पाए तो उसी बेसिस पे ये पूरा मटेरियल का क्लासिफिकेशन है कंडक्टर एंड इंसुलेटर हालांकि इसके साथ साथ एक और चीज़ सेमी कंडक्टर भी क्या बनाया गया है जो बहुत इम्पॉर्टेंट मटेरियल है जो दोनों का हल्का हल्का नेचर रखता है वो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का रखता है मतलब एक रेंज में वो कंडक्टर की तरह काम करता है और दूसरे रेंज में वो इंसुलेटर की तरह काम करता है ठीक है और ये पूरा का पूरा कंप्यूटर का जो रिवोल्यूशन है वो इस मटेरियल की वजह से ही है आज जिस कंप्यूटर पे आप देख रहे हो या जिस मोबाइल पे लेक्चर देख रहे हो उसके अंदर में जो सबसे ज़्यादा जिस मटेरियल का यूज किया गया है वो सेमी ही यूज किया गया है जो कि आपको मॉडर्न फिक्स में पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है ठीक है तो उसका बेस यहाँ पे हो जाएगा उसका डेफिनेशन हम यहाँ पे जान जाएंगे ठीक है तो उसके डेफिनेशन को एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं तो हमारे पास स्टेटमेंट रहेगा बोर्ड वोड में लिखने के लिए ठीक है इसलिए मैं आपको कोई चीज समझाने के लिए अलग से एग्जाम्पल्स अलग से बहुत सारे डेमो वाले जो वीडियोज़ होगा एनिमेशन का वीडियोज होगा आपको एक ब्यूटीफुल वीडियोज भी आपको एनिमेशन भी बताऊंगा जैसे मैंने बनाया है इंडक्शन फेनोमेना को समझाते हुए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है उस पर क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे आते रहते हैं ठीक है तो पहले हम कंडक्टर और इंसुलेटर को पढ़ लेते हैं देखो अ मेटल रॉड हेल्ड इन हैंड एंड रब्ड विथ अ वूल विल नॉट शो एनी साइन ऑफ बींग चार्ज कोई मेटल रॉड है और मेटल रॉड को वूल से आप रब करते रहो आपको चार्जिंग वो महसूस ही नहीं होगा ऐसा क्यों हुआ होगा ठीक है आप ग्लास रॉड को रब कर रहे हो आपको दिख रहा है लेकिन मेटल रॉड को करोगे तो ऐसा महसूस नहीं होगा हाउ एवर इफ मेटल रॉड विथ अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल इज रब्ड विद टचिंग इट्स मेटल पार्ट इट्स शो साइन ऑफ चार्जिंग लेकिन वही जैसे ये मेटल रॉड है सिंपली आप आपने इसे हाथ में पकड़ रखा है और इसको रब कर रहे हैं तो चार्जिंग महसूस नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे आपने एक वुडन हैंडल बना दिया उसमें अब इसको पकड़ो और इसको रब करो तो इसमें चार्जिंग महसूस आपको होगा इट सोज साइन ऑफ चार्जिंग सपोज वी कनेक्ट वन एंड ऑफ कॉपर वायर टू टू न्यूट्रल पिथ बॉल एंड द अदर एंड ऑफ द नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड इसने कहा कि चलो एक चीज मानते हैं सपोज वी कनेक्ट वन एंड ऑफ कॉपर रॉड एक कॉपर रॉड है इसका एक एंड को पिथ वॉल से कनेक्ट कर दिया कॉपर वायर टू न्यूट्रल पिथ बॉल ये क्या था न्यूट्रल था और न्यूट्रल जैसे ही बोलता है इसका मतलब चार्ज उसमें कितना है जीरो है ठीक है एंड द अदर एंड ऑफ द नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रोड और यहाँ पे अदर अदर जो पोर्शन है वो नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रोड से अटैच कर दिया ठीक है वी विल फाइंड दैट द पिथ वॉल बॉल अ नेगेटिव चार्ज हमें क्या दिखेगा थोड़ी देर बाद में कि इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया है ये न्यूट्रल था कुछ देर बाद आपको देखेगा कि यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया If a similar experiment is repeated with a nylon thread or a rubber band, no transfer uh, of charge will takes place from the plastic rod to the pith wall. यदि यहाँ पे ये जो portion था, ये जो portion था, ये एक तरह से copper का rod था, तो ये चीज देखा गया। लेकिन nylon का wire रहे या या rubber type का कोई चीज रहे, तो यहाँ तक charge transfer नहीं होता है ठीक है वाइड इज द ट्रांसफर ऑफ चार्ज नॉट प्लेस फ्रॉम द रॉड ऑफ द बॉल क्योंकि रॉड से बॉल तक क्यों ट्रांसफर नहीं हुआ जब यहाँ पे हमने क्या रखा जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे पिथ बॉल है लेकिन उसके बीच में हमने नायलन थ्रेड या रबर बैंड रख दिया है नायलन का यहाँ पे है ठीक है तो यदि ये नायलन का रख दोगे तो ऐसा क्यों नहीं हुआ यहाँ पे क्यों का क्यों ही क्यों जीरो क्यों ही रह गया ठीक है तो उसका कारण मटेरियल का नेचर है ठीक है सम सब्सटेंस रेडली अलाउ पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम कुछ सब्सटेंस अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है जैसा यहाँ पे कॉपर रॉड कर रहा था ठीक है अदर डो नॉट जैसे ये पास करने नहीं दे रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता ठीक है कुछ अलाउ करता है कुछ अलाउ नहीं करता है दोज विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजिली इजली आर कॉल कंडक्टर जो अलाउ करता है ईजिली उसे हम कंडक्टर कह देते हैं दे हैव इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन्स दैट आर कंपेरेटिवली फ्री टू मूव इन साइड द मेटेरियल इसके अंदर में इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन होता है जो कंपेरेटिवली इसके कंपेरिजन में फ्री टू मूव होता है ओके मेटल्स ह्यूमन एंड एनिमल्स बॉडीज आर अर्थ आर कंडक्टर मेटल्स हो गए ह्यूमन बॉडी हो गया अर्थ वो कंडक्टर हो गया मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स लाइक ग्लास पर्सलिन प्लास्टिक नायलन वुड ऑफर हाई रेसिस्टेंस टू पासिस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम ये सब जितने भी हैं वो बहुत हाई रेसिस्टेंस uh, क्या करता है ऑफर करता है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में ठीक है दे आर कॉल इंसुलेटर उसे हम इंसुलेटर कहते हैं मोस्ट ऑफ स्टांसेस फॉल इन टू वन ऑफ द टू क्लासेस स्टेडेड एब मोस्टली जितने भी मटेरियल है वो इन्ही दोनों के उसमें आ, होते हैं मोस्टली ठीक है लेकिन अभी मॉडर्न जमाने में एक और चीज़ इसलिए यहाँ पर स्टार मार्क्स है कि एक और तरीके का मटेरियल है जो अभी हम पढ़ते हैं इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क्स है जिसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है हम उसको अलग से मॉडर्न फेज में पढ़ेंगे देर इज अ थर्ड कैटेगोरी कॉल सेमी कंडक्टर विच ऑफर रेसिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर इसका जो रेजिस्टेंस है नहीं मैं इलेक्ट्रिसिटी पास अपने थ्रू नहीं होने दूंगा वो उसकी क्षमता इंटरमीडिएट है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है But, तो आपको दो चीज आपको समझ में आ गया ठीक है अब विन सम चार्जेज इज ट्रांसफर टू द कंडक्टर इट रेडली गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर सर्फेस ऑफ द कंडक्टर कोई जैसा कि बैलून वाले सर्फेस पे था यदि यहाँ पे कहीं पे भी एक जगह पे आपने चार्ज रखा ये यहीं पे नहीं रहेगा थोड़ी ही देर बाद आपको दिखेगा कि ये पूरे पे पूरे पे फैल गया ठीक है पूरे फैल गया इन कंट्रास्ट इफ सम चार्ज इज पुट ऑन द इंसुलेटर ये यदि इंसुलेटर पर हम यही चीज पुट करते कोई इंसुलेटर पे पुट करते यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बाद में भी आपको दिखता कि यहीं के यहीं पे है ठीक है यहीं पे चार्ज कंसंट्रेट रह जाएगा इट ए स्टे एट द सेम प्लेस यू विल लर्न व्हाई दिस हैपन इन द नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में हम ये सब चीज़ पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है ठीक है और एज यहाँ इसके इससे रिलेटेड बहुत सारे पैरामीटर आपको इंट्रोड्यूस हो जाएगा ठीक ये बहुत बड़ा चैप्टर भी है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं मतलब कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इवन न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेवरेट चैप्टर है ठीक है दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मेटीरियल टेल्स यू वाई अ नायलोन और प्लास्टिक कॉम गेट्स इलेक्ट्रीफाइड ऑन कॉमिंग ड्राई हेयर ऑन रबिंग बट अ मेटल आर्टिकल एक ए स्पून डज नॉट स्पून को ऐसे ऐसे करते रहो कुछ नहीं होगा लेकिन जैसे ही आप प्लास्टिक के कॉम को ऐसे रगड़ोगे इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा उस पर चार्ज आ जाएगा द चार्ज इज ऑन मेटल लीक थ्रू आवर बॉडी टू द ग्राउंड एज बोथ आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली स्पून को पकड़ के जब आप रगड़ रहे हो तो चार्ज तो आया है लेकिन वो बॉडी के थ्रू चला गया क्लियर When we bring a charged body in contact with the earth, all the excess charge on the body disappear by causing momentarily current to pass to the ground through the connecting conductor, such as our body. जितने भी चार्ज बॉडी है, यदि आप इसको ग्राउंड के through connect किए, तो momentarily सारे चार्ज इसमें चला जाता है. Doesn't matter, ध्यान रखना, एक जो बात कह रहा हूँ, doesn't matter, ये चार्ज किस नेचर का है. यदि ये पॉजिटिव होता और इसको ग्राउंड से करते तो भी चार्ज गया और थोड़ी देर बाद आपको यह न्यूट्रल देखेगा क्यू इजल टू जीरो देखेगा यहाँ पे क्यू क्या है पॉजिटिव है और यदि यह नेगेटिव चार्ज है तब भी थोड़ी देर बाद आपको देखेगा कि इस पर क्यू क्या है पॉजिटिव है खत्म हो गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्यों ठीक है इसका जवाब कमिंग लेक्चर में मिलेगा लेकिन यदि आप अभी दे पाओ गेस कर पाओ गलत ही गैस पर कर पाओ तब भी सही है ठीक है तो इसका गेसिंग में चाहूँगा कि आप करो चाहे गलत गेस करो कोई बात नहीं चार्ज बॉडी को जैसी अर्थ के कॉन्टेक्ट में लाओगे क्या होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा ठीक है ऐसा क्यों हुआ इसका जवाब आपको देना है गलत जवाब रहे उससे डरो मत बस जवाब होना चाहिए ठीक है ओके टू नेक्स्ट उसमें हम देखते हैं इसलिए लिखा गया था चार्ज ऑन मेटल लीक थ्रू आवर बॉडी ठीक है देखो वेन वी ब्रिंग अ चार्ज बॉडी इन कॉन्टेक्ट विद अर्थ ये हो गया मोमेंट्री करेंट पास होता है वो खत्म होता है दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्ज विद द अर्थ इज कॉल्ड द ग्राउंडिंग और अर्थिंग ऐसे चार्जिंग के मेथड को हम ग्राउंडिंग अर्थिंग कहते हैं जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी बॉडी है यदि वो ग्राउंड से कनेक्टेड है तो उसके चार्ज को वो ग्राउंड कर देगा और अल्टीमेटली इसको उठा के करेगा कि वो यहाँ पे चार्ज ज़ीरो हो जाए डजन मैथर के यहाँ पे चार्ज नॉन ज़ीरो था और वो क्या था पॉजिटिव था या नेगेटिव था ठीक है इसको हम अर्थिंग कहते हैं अर्थिंग प्रोवाइड्स अ सेफ्टी से मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड अप्लायंसेस जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें अर्थिंग होता ही होता है ठीक है क्यों क्योंकि यदि कोई सपोज करो कि एक इलेक्ट्रिकल बॉडी है और उस पर चार्ज आ गया और गलती से आप यदि उसको छूओगे तो क्या होगा वो आपके बॉडी के थ्रू पास करना चाहेगा और वो क्या करेगा सेल्स को ब्रेक करना शुरू कर देगा जिसकी वजह से आप कहते हो कि करंट लग गई किसी को ठीक है सेल्स ब्रेक होगा तो आपको दर्द होगा और हो सकता है कि आप अगले लेक्चर देखने के लिए रहे भी नहीं ठीक है तो ऐसा भी हो सकता है तो सारे इलेक्ट्रिकल उसमें क्या होता है ये चीज़ होता है अ थिक मेटल प्लेट इज बरीड डीप इन टू द अर्थ एंड थिक वायरस आर ड्रॉन फ्रॉम दिस प्लेट दीज आर यूज इन बिल्डिंग फॉर द पर्पज ऑफ अर्थिंग नीयर द मेन सप्लाई क्या होता है एक बड़ा एक रॉड रहता है और अर्थ के अंदर में अर्थ के अंदर में बहुत डीपली गाड़ देते हैं फिर यहाँ से एक वायर होता है और उसको हम ले जाते हैं ऊपर तो ये अर्थ के अंदर में रहता है इसी चीज़ को हम ग्राउंड वायर कहते हैं ठीक है और आप देखोगे जब भी आप देखोगे कि आपके पास जो ये होता है ऐसा इसमें तीन प्लग में ये वाला जो पोर्शन होता है वो अक्सर ग्राउंड का होता है जो बड़ा होगा ठीक है और ऐसे होगा और एक होता है लाइव और एक होता है न्यूट्रल जब भी आप अपने घर में देखोगे प्लग को तो ऐसा दिखेगा आपको ठीक है द इलेक्ट्रिक वायरिंग इन आवर हाउसेज आर थ्री वायर सिस्टम जिसमें लाइव न्यूट्रल और अर्थ होता है द फर्स्ट टू कैरी जो पहला दो कैरी होता है लाइव और न्यूट्रल वो करेंट को कैरी करता है और बाकी ग्राउंडिंग को रखता है ठीक है पूरे बॉडी को ग्राउंड करके रखता है ताकि यदि बॉडी पे चार्ज आया तो वो हमें ह्यूमन बॉडी को, को कोई इफे अफेक्ट ना कर पाए ठीक है electric current from the power station electric current from the power station and the and the third is earth by the connecting it to the buried metal plate जो अंदर रहता है तो power station से दो चीज़ आया एक live और neutral आया और अपने घर के कोना में एक जगह पर कहीं पर ये तो ये तो wire अपना आके इसमें चली गई ठीक है और एक यहाँ पे रॉड आपने गाड़ दिया और यहाँ से ले लिया तीसरा न्यूट्रल ठीक है मेटालिक बॉडीज ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायसेज एज इलेक्ट्रिक आयरन रेफ्रिजरेटर टीवी आर कनेक्टेड टू द अर्थ वायर जितने भी मेटालिक बॉडी होता है किसी भी अप्लायंस का वो ग्राउंड से जुड़ा रहता है जैसे आप सोचते होंगे कि जो टी से वो जो पिन निकला है वो तीन ऐसा पिन क्यों है ठीक है तीन पिन ऐसा क्यों है जब भी आप देखोगे ऐसा तीन पिन आपको मिलेगा ठीक है तो आपके उसमें होगा कि ये ये किसी भी बॉडी से तीन पिन क्यों आ रहा है तो एक रहेगा ग्राउंड जो कि अर्थ से कनेक्टेड रहेगा और वो वायर यदि आप देखोगे तो टीवी के मेटालिक पार पार्ट से टच रहेगा ठीक है रहे? वेन एनी फॉल्ट अकर्स और लाइव वायर टच इज द मेटालिक बॉडी द चार्ज फ्लो टू द अर्थ विदाउट डैमेजिंग द अप्लायंस एंड विदाउट कॉजिंग एनी इंजरी टू द ह्यूमन यदि अप्लायंस का कोई भी पार्ट लाइव वायर भी यदि बॉडी से टच हो गया तो पूरा के पूरा जो करेंट होगा वो किस में चला जाएगा ग्राउंड में चला जाएगा और आपको उस बॉडी को छूने में जैसे आपका लैपटॉप है लैपटॉप यदि मेटालिक है अंदर में कोई भी लाइव uh, वायर उसके यदि टच में आ गया तो जैसे ही टच में आ जाएगा तो क्या होगा वो शॉक आपको शॉक दे सकता था लेकिन यदि वो बॉडी ग्राउंडेड है और ग्राउंडेड वायर से जुड़ा हुआ है तो कभी शॉक नहीं देगा क्योंकि सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा ठीक है अर्थ में सारा चार्ज चला जाएगा मतलब सारा मतलब चाहे जिस नेचर का हो वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो वो चला जाएगा ठीक है ऐसा क्यों ये क्वेश्चंस मैंने पूछा था अभी भी पूछ रहा हूँ और डेफिनेटली इसका जवाब मिलेगा सारा चार्ज और लगभग मतलब हर अमाउंट ऑफ चार्ज अर्थ के अंदर देखो कितनी जबरदस्त चीज़ है अर्थ अपने अंदर चार्ज पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे दोनों चीज़ को ले लेगा और इसका अमाउंट कुछ भी रहे उसको भी ले लेगा कितनी बढ़िया बात है मदर अर्थ ऐसे ही नहीं कहा जाता आपके बचाने के लिए कुछ भी कर देती है ठीक है तो उसको दे अदरवाइज विविन अनवाइडल सिंस द ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी यदि वो अर्थ नहीं होता तो हमारा ह्यूमन बॉडी जो है वो क्या है कंडक्टिंग है हमें शॉक लगता ठीक है अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि वो चार्जिंग बाय इंडक्शन है मतलब चार्जिंग के जो मेथड्स है उसके बेसिस पे एक और दूसरा चार्जिंग का मेथड आया है चार्जिंग बाय इंडक्शन जो आप जानोगे ठीक है अभी तक चार्जिंग बाय रबिंग आप देख रहे थे ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में हम हाँ आपसे मिलते हैं थैंक यू